ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया। तो मेरा नाम है अंकित बेस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ मसूरी रोड में, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ मसूरी साइड ही, वहीं वाटरफॉल पड़ता है एक मसूरी में, इसको नहीं पता होगा, तो वहीं जा रहा हूँ मैं आज। फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कैसा रहता है। वैसे काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है वहाँ पर और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, हल्का सा ट्रैकिंग है। और चलो फिर अभी चलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग में, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। तो चलो गाइस, सो गाइस हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। सुबह में 6 बजे के अराउंड निकल गया था अपने घर से, अभी बजने वाले हैं 7 और हम पहुंच गए हैं अभी टोल टैक्स के पास। और यहाँ से हम लेंगे राइट के लिए, ये रास्ता डायरेक्ट झरी पानी के पास ही निकलता है। बस रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और भयंकर स्टीप है, बट कोई नहीं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और किसी को टोल टैक्स के 12 रुपये बचाने हैं तो वो भी यहाँ से आ सकता है। वैसे ये रास्ता मेन रूट से काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, जो मेन रूट है वो अराउंड 7-8 किलोमीटर पड़ता है झरी पानी के लिए। और जो ये वाला है ये 2 किलोमीटर भी नहीं है, बस खड़ी चढ़ाई है। तो बाकी देखते हैं आगे। और गाइस मेरे को अभी उस पीक तक पहुंचना है। यहाँ से वैसे देहरादून का व्यू दिखता है, पर अभी सुबह सुबह कोहरा हो रखा तो कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो रखा और रोड पे पूरे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं, हमारी गाड़ी को थोड़ी सी दिक्कत होते हुए। और यहाँ पे तो पूरी रोड नहीं बनी हुई है यार, बहुत सही बढ़िया हो रही रोड, कुछ टाइम बाद तो पूरी बन जाएगी तो और मस्त हो जाएगा। और ये लास्ट भयंकर एलिवेशन। और अब हम पहुंच गए हैं झरी पानी वाली रोड पे, सो चलो यहाँ से कुछ थोड़ा ही सही दूर है। और यहाँ से लेंगे हम राइट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे झरी पानी रिसॉर्ट है, आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड दिख जाएगा झरी पानी रिसॉर्ट के नाम से। सो उसी के सामने एक रोड जा रही है, तो वहाँ से हमें सीधा सीधा नीचे के लिए आना है, मतलब पूरी ढलान है आप देख सकते हैं। यहाँ से है थोड़ा सा अराउंड 1 किलोमीटर के अराउंड है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे तो कोहरा हो रहा है यार भयंकर, आप देख सकते हैं, और थोड़ा बारिश का मौसम भी हो रहा है। चलो देखते हैं, आई होप सो बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आएगी तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में वो वाटरफॉल सेफ नहीं रहता है, एज़ यू ऑल नो कि बारिश में वाटरफॉल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो गाइस हम यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही है, वहाँ तक तो हम पैदल चले जाएंगे इजीली, क्योंकि मतलब वापस आते टाइम ज़्यादा एलिवेशन हो जाएगा तो गाड़ी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम तो चल जाएंगे आराम से, बट गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं पे मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, यहाँ से फिर पैदल चलते हैं। तो चलो हेलमेट निकाल के बात करते हैं। ओके सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पीछे मैंने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। वैसे इससे आगे भी है रास्ता, बट मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ क्योंकि भयंकर स्टीप है, तो वापस आते टाइम गाड़ी को दिक्कत होगी, हम तो पैदल चल जाएंगे। बट वहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी ग्रीनरी है, चिड़िया इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही है और चिड़ियों की आवाज़ें हैं। बस यहाँ से थोड़ा ही है, मतलब पूरा नीचे हमें ट्रैक करना है, समथिंग वहाँ कहीं बीच में होगा हमारा, पहाड़ के बीच में। आगे हम निकल चुके हैं, सो चलो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस वहाँ का आज का। वैसे तो मैं पहले भी आ रखा हूँ वहाँ पर, मतलब ये मेरा 4th टाइम रहेगा, बट इस टाइम सोलो हूँ मैं, एंड इस टाइम मैं आया हूँ व्लॉगिंग के पर्पस से। सो चलो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस हमारा। सो चलो
सो गाइस एक वाटरफॉल ये है, काफ़ी यूथ सा है, बट यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो मतलब बनाना पड़ेगा, सॉरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है वैसे तो, बट वहाँ का रास्ता है नहीं क्योंकि एकदम खाई पे है वो। तो अब मैं यहाँ से कूदूँगा अगर तो पहुँच जाऊँगा नीचे, बट वहाँ नहीं जाना है हमको। हमको जाना है उस साइड से आगे, देन तो चलो गाइस। रास्ते में आते हुए एक बार मेरा पैर स्लिप भी हो गया था, थोड़ा सा लग भी गई है पैर में, बट मतलब इजी था। बरसात के टाइम पे होता है यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस, बट अभी तो सही था। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और को दिखाते हैं वाटरफॉल। ये है अपना प्यारा सा वाटरफॉल, अभी ह्यूज है बट ये है। और एक यहाँ पर बोटल्स लगा रखी है, बोटल्स में मनी प्लांट प्लांट है या पता नहीं, कोई बेल वाला प्लांट है, जो बेल होती है ना, तो वो वाला प्लांट है कोई। सो ये है वाटरफॉल, गरीबन वाटरफॉल। तो चलो देखते हैं, वैसे तो हवा भी चल रही है भयंकर यहाँ पे, तो नहाने का तो सीन हो नहीं पाएगा, बाकी जो भी होगा देखते हैं। वाटरफॉल के पास तो आ गया हूँ, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो चलो कुछ शॉट्स दिखाते हैं आसपास के आप लोगों को। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। को कमेंट करके बताइए को वीडियो मेरी कैसी लगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे यार बारिश का मौसम भी होने लग गया, हल्के हल्के बूंदे पड़ने लग गई हैं, मतलब अभी तो बहुत हल्की पड़ रही है, बट कोई नहीं हम तो निकल गए हैं, तो सेफ है, सिक्योर है। तो बस और यार मेरी वीडियो शेयर करिए आप लोग, किसी को भी जिसको आप लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग पसंद है उसको मेरी वीडियो शेयर करिए। आपका कुछ जाएगा नहीं, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो गाइस बस यही था हमारी आज की वीडियो में, तो आप लोगों से मिलते हैं किसी अगली सूरत सी जगह के साथ, जल्दी मिलेंगे। ये तो मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, तो बट कोई नहीं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी लाऊँगा और बढ़िया सी जगह दिखाएंगे आप लोगों को। सो चलो बस अभी हम चलते हैं घर, अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग ख़त्म करनी है और फिर गाड़ी उठानी है, फिर सीधा नीचे जाऊंगा मैं। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस ऊपर आते आते पूरी बारिश हो गई है, मतलब होने लग गई है। ये मेरी गाड़ी के पास पहुंच गया था और आप देख सकते हैं पूरी बारिश होने लग गई है धीरे धीरे। सो चलो बाय बाय।